गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, मैं 2-3 दिनों से काफ़ी बीमार थी। फीवर, गले में पेन, सर में दर्द, बहुत हालत ख़राब थी। तो अभी ठीक है फ़िलहाल तबीयत मेरी, बस आवाज़ रह गई है। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज है एक फंक्शन, वहाँ पे स्किट जो होती है, जो नाटक होता है, उसमें मैं प्ले कर रही हूँ बेटी का रोल। वुमेन एम्पावरमेंट पे है हमारा स्किट, तो हो सके तो मैं आपको भी इसको दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे जाके। तो चलिए चलते हैं। 5 बज रहे हैं। ड्राइंग रूम में पिताजी चैन से अखबार पढ़ रहे हैं और माँ परेशान होके टहल रही है। कहाँ है आपकी बेटी? शाम के 5 बज गए हैं। पड़ोसी देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इतनी रात को आ रही है। और भी कुछ बोलोगे? अभी अखबार में आंखें गड़ाए बैठे रहोगे? ओहो भाग्यवान, क्यों इतना फिकर कर रही हो? आ जाएगी, किसी काम में फंस गई होगी। आने दो, आज उसे बताती हूँ अच्छे से। माँ, पिताजी, मैं आ गई, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। कहाँ थी और इतना देर क्यों हो गया, और क्या बताना है? अरे बोलने तो दो से। आज हमारे कॉलेज में सेमिनार हुआ, वहाँ दिल्ली से एक मेंटर आए थे। उन्होंने हमें करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में बताया। ये करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम है क्या बेटा? पिताजी, इस प्रोग्राम में हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम होगा और हमारी प्रतिभा के अनुसार हमें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में केवल आईएएस की परीक्षा की ही तैयारी नहीं होती, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है बेटा। बस बस हो गया तुम दोनों का, जा जाकर रसोई में काम कर। क्या पढ़ाई और क्या आईएएस? लड़की और आईएएस दोनों के लिए पैसा जमा करो। वो बेटा है हमारा, वो कमाएगा और वो खिलाएगा, ये तो ससुराल चली जाएगी। अरे क्या हुआ, वो लड़की है, उसे भी तो एक मौका मिलना चाहिए। आप और आपकी लाडली। मैं फर्स्ट आया हूँ। अरे मेरा राजकुमार, तू फर्स्ट आया इसमें बेटा? वाले वीडियो गेम में फर्स्ट आया हूं। चलो अच्छा है, किसी चीज में तो फर्स्ट आया। आ बेटा बैठ। क्या आपने ध्यान दिया, बेटे और बेटी की परवरिश के ये दो रंग, क्या ये सामान्य नहीं है हमारे जीवन में? अब चिंकी अपना काम करने लगती है और माँ और बेटा दोनों टीवी देखने लगते हैं। अच्छी बनी, मुझे और चाहिए। मेरे राजकुमार को और चाहिए खीर, अभी लो बेटा मंगवाती हूँ। चिंकी, और चिंकी। जी माँ। जरा अपने भाई के लिए खीर तो लेके आना। माँ, लेकिन खीर तो थोड़ी सी है, वो मैंने अपने लिए रखी है। क्या चिंकी, तुझे तो वैसे भी ससुराल ही जाना है। मेरा बेटा खाएगा खीर और मेरे लिए कमा के लाएगा, जा लेके खीर। जी माँ, रखती हूँ। ये लो भैया खीर, खा बेटा खा, कितना कमजोर हो गया तू, खा। परिवार में सारा त्याग और संघर्ष क्या केवल लड़कियों के लिए है? विज्ञान भी कहता है कि लड़कियों को प्रतिदिन 900 ग्राम पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, लेकिन भेदभाव तो हमें खान पान में भी सहना पड़ता है। आगे देखिए, इतनी ही देर में चिंकी के पापा आते हैं। कैसी चल रही है चिंकी बेटा तुम्हारी पढ़ाई? पिताजी, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है बेटा, बड़े ध्यान से पढ़ना, खूब मन लगा के पढ़ना बेटा। जी पिताजी। कभी पीछे मत हटना बेटा, जे लो तुम्हारी एडमिशन के लिए पैसे। अपनी माँ और भैया को बताने की जरूरत नहीं है बेटा,
ठीक है बेटा, खूब अच्छे से पढ़ाई करना। धन्यवाद पिताजी। ठीक है बेटा, खूब मेहनत करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना। बस एक छोटा सा सहारा भी काफी होता है हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। हम लड़कियों को अक्सर सबका प्यार नहीं मिल पाता, फिर भी हम थोड़ा सा प्यार पाकर ही खुश हो जाते हैं। अगले दिन एडमिशन करवाने के बाद पिंकी सर का क्लास करती है और बहुत खुश हो जाती है कि अगर इसी तरह से वह सही दिशा निर्देशन के अनुसार तैयारी करे तो वह एक दिन आईएएस जरूर बन जाएगी। वह दृढ़ निश्चय करती है कि वह एक दिन आईएएस बनके दिखाएगी। देखते ही देखते एक साल गुजर जाता है और फिर परीक्षा का दिन आता है। दोनों गोलू और चिंकी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। पता नहीं कहां चले जाते हैं। कहां थे और इतना देर क्यों हो गया? क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतना चिल्ला रही हो? आज मेरे गोलू का परीक्षा है, ये परीक्षा देने जा रहा है। देख लेना जी, मेरा गोलू तो डीएम बनके ही रहेगा। मेरा गोलू मोलू जा गोलू की उतरी और सैक लेके आ। जी माँ। मेरा बेटा अच्छे से परीक्षा देगा और साथ में आरती का थाल भी लाना। ये लो माँ। परीक्षा में सफल होकर आना। अब आशीर्वाद देने के दो रंग आपके सामने हैं। दोनों परीक्षा हॉल में जाते हैं और परीक्षा देते हैं। दिन बीतता जाता है। एक दिन जब माँ और बेटा दोनों टीवी देख रहे होते हैं तभी परीक्षा परिणाम के बारे में टीवी में एक नई खबर आती है। नमस्कार, इस बार यूपीएससी की टॉपर रही हैं बिहार के छोटे से गांव रामपुर की बेटी आकांक्षा। आकांक्षा ने अपने माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा किया है और साथ ही साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। धन्यवाद माँ। माँ, ये आकांक्षा कौन है? पता नहीं बेटा, और हमारे गांव की आकांक्षा नाम की लड़की, पता नहीं। अरे जय कांक्षा तो हमारी चिंकी ही है। क्या पिताजी? हाँ बेटा, ऐसे तो भी नहीं हो। छोड़ो बेटा, ये काम अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो और काम है बेटा, अब तो तुम डीएम बन गई हो। जी पिताजी, खुश रहो बेटा। मुझे काम करने दो बेटा। बम बम तुम्हारे साथ बहुत कलंक किया है। सफल होकर आना। अब आशीर्वाद देने के दो रंग आपके सामने हैं। दोनों परीक्षा हॉल में जाते हैं और परीक्षा देते हैं। दिन बीतता जाता है। एक दिन जब माँ और बेटा दोनों टीवी देख रहे होते हैं तभी परीक्षा परिणाम के बारे में टीवी में एक नई खबर आती है। नमस्कार, इस बार यूपीएससी की टॉपर रही हैं बिहार के छोटे से गांव रामपुर की बेटी आकांक्षा। आकांक्षा ने अपने माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा किया है और साथ ही साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। धन्यवाद माँ। माँ, ये आकांक्षा कौन है? पता नहीं बेटा, और हमारे गांव की आकांक्षा नाम की लड़की, पता नहीं। अरे जय कांक्षा तो हमारी चिंकी ही है। क्या पिताजी? हाँ बेटा, ऐसे तो भी नहीं हो। छोड़ो बेटा, ये काम अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो और काम है बेटा, अब तो तुम डीएम बन गई हो। जी।
कैसा लगा आपको आज का हमारा प्ले, और प्ले के बाद मिला हमें प्राइस, ये देखिए। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या है इसमें। तो ये देखिए प्राइस में मिले हैं कप, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के, ये देखिए ऐसे वाले बहुत अच्छे हैं। तो इस वीडियो का करते हैं अब यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।